जानते हैं कि उस्मान साहब का ठिकाना कहां पर है। इस करारगाह के बगैर वो कोपरो हिसार में एक कदम भी नहीं रख सकता। अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे भाईंदर। अस्तग़फ़िरुल्लाह, खुश तो मैं बहुत हूं, हमें उस्मान साहब का ठिकाना मिला है, मैं खुश हूं, लेकिन बात यह है कि एक और जरूरी बात थी वालिदा सुल्तान। उस्मान अपने भतीजे की शादी कर रहा है। तो क्या हुआ, हमें इससे क्या। दुरुस्त फरमाया आपने, ठीक कहा, लेकिन वालिदा सुल्तान, उस्मान शादी के लिए ओकदाम साहब की बेटी का हाथ मांगेगा। और ये शादी उस्मान को अंदर से और मजबूत कर देगी, फिर वो तमाम कबीलों को अपने साथ ले जाएगा। यकीनन मान मराचिक भी है। क्या आप इन बातों से परेशान हो रहे हैं भाईंदर? ठीक कहा ना, लेकिन आलचेचे खातून से मैं शादी करना चाहता हूं। जाहिर है उस्मान जल्दी करते हुए शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। चलें हम पहल करते हैं और पहले लड़की का हाथ मांगते हैं। मोहब्बत, तो ये बात है। आल चिचक आपकी खातून होगी, वालिदा सुल्तान का वादा है। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा सुल्तान। उठ जाओ बाइंदर, उठ जाओ। ओलोफ को फौरी तौर पर पैगाम भेजो, उसे करारगाह के मकाम के बारे में बताओ, उसे कहो कि वो करारगाह के अंदर जो कुछ है उसे तबाह कर दे। उस्मान भी कमांडर के बगैर फौज ऐसी है जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं। उस्मान वहां नहीं होगा तो उसकी फौज मुंतशिर होगी, और उस्मान के लिए तो मैंने कुछ और ही सोच रखा है। वो और उसकी प्यारी खातून मलहून आज रात मेरे मेहमान होंगे, और उसी वक्त आप आल चिचक का हाथ मांगेंगे। वालिदा सुल्तान, हुसैन को औलूफ के पास तो जरूर भेज दूंगा मैं, लेकिन वो बदले में जरूर कुछ मांगेगा। उनकी नजरें मरमरा चिक पर लगी हुई है, वो ये जरूर चाहेगा। किस कदर लालची इंसान है ये औलूफ भी। उससे कहो फिक्र मत करो, वो जो चाहेगा उसे मिलेगा। उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा हुजूर, क्या फतह से पहले कोई मसला पेश आया? नहीं, खैरियत है, किसी कले को नहीं दिल को फतह करना है। चलें तैयारियां शुरू कीजिए, अख्तमूर के लिए आलचेची का हाथ मांगने जाएंगे।
मुझे ये सुनकर खुशी हुई। बस तुम खुश रहो। आयशा खातून, आपसे पूछे बगैर ही पैगाम भिजवा दिया हमने, माफी चाहता हूँ आपसे। अस्तग़फ़िरुल्लाह जनाब, हमारा कहना किसी काम का नहीं। अगर गुंदू जिंदा होते तो वो भी ऐसे ही करते जैसा आपने किया। आपका शुक्रिया। चलो फिर अपनी तैयारियां मुकम्मल करते हैं। मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। आक तैमूर साहब, खैरियत तो है? ऐसा तो ना कहें। आक तैमूर, तुम मुझसे पूछे बगैर और मेरी दुआएं लिए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने ऐसा करके मुझे नजरअंदाज किया है। ये कैसी बातें कर रही हैं वालिदा? मेहरबानी करें ऐसा ना कहें। मैंने ऐसा कुछ... बहुत हो गया। अपनी चचा के साथ वहां जाओ। मैं वहां नहीं जाऊंगी। बाइंदर। अलचचिक से शादी करना चाहता है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मजबूरन ही करना पड़ा। आपकी इजाजत के बगैर ऐसा कर सकता हूं वालिदा? ऐसे मुझे अकेला मत छोड़े। आक तैमूर, तुम उसके बगैर नहीं रह सकते हो? क्या तुम वाकई उस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो? क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करती है? वो मुझसे मोहब्बत करती है, तभी तो मैंने ऐसा किया। उसकी मोहब्बत मुझसे भी ज्यादा है। चलेंगी ना आप? आक तैमूर, मैं आपकी मोहब्बत को देख रही हूँ, लेकिन जान लो मैं नहीं मानती कि वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को तकलीफ नहीं देता। आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा ना वालिदा? वो वाकई बहुत मोहब्बत करती है। वो मोहब्बत देखिए उसकी आंखों में। चले ना वालिदा, ऐसे दिन बेटे को अकेला मत छोड़े। हाँ तुमने कहा कि वो उसे नहीं चाहते। उस्मान साहब मुझसे अलचिचक का हाथ मांगेंगे तो आप उसे मना नहीं करेंगे? वो उस्मान साहब हैं। उस्मान साहब सरहदों के सरबराह हैं। उन्होंने हमें मरमराचिक दिया। उस्मान साहब, जब वो यहाँ आए तो मैं उन्हें क्या कहूँ? अगर अलचिचक ये चाहती है तो मेरे पास कोई चारा नहीं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। मैं करूँगा खातून। आप ऐसा नहीं करेंगे। अख्ताम साहब, मैं उसकी शादी सिपाही से नहीं होने दूंगी। काई मेरे भाई को तो निकल ही चुके हैं, और इसके अलावा कितनी तकलीफें दी हैं मैं कभी नहीं भूल सकती। बस करें खातून, बहुत हो गया। मैं अब मजीद कोई बात नहीं सुनूंगा। अलचिचक की शादी मैं आक तैमूर से ही करूंगा। तवज्जो फरमाएं, इस्पेहान सुल्तान आ रही हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं उक्ताम साहब? अगर मैं आपसे आलचिचक का हक मांगूं
तो आप क्या कहेंगे? क्या उसे मेरे बजाय उस्मान को दे देंगे आप? आलगन खातून, मैंने कहा आलगन खातून, क्या आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही हैं? मैंने कोई बात नहीं सुनी, आवाज नहीं आ रही। कि आप ऐसा करेंगी, माफ कर दे मुझे। सब जानती हूं मैं, मुझे बेवकूफ बनाया, वो सब लोग ये देख रहे थे, आपने मेरे साथ खेला, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। मैं अब मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगी जैरकुताई साहब। तो क्या मुझे खाना नहीं मिलेगा? मैं आपको मार डालूंगी, दूर हटे। क्या आप खाना खा रहे हैं जैरकोताई? शुक्रिया अलगुन खातून। शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि मुझे भी खाना दे दीजिए। जी बिल्कुल। वो गुस्से में है। अच्छा सलामत रहे। लुत्फ उठाए। मजे से खाओ, मजे से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरे साथ मत करो ऐसा। तुम इसे कौन भरेगा? खूब अच्छी तरह खाए सिपाही, मजे से बिल्कुल। इतना ही मिलेगा जितना मैंने दिया है, मजीद नहीं है। इससे तो मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरेगा। पेट भर जाए आपका, हराम है ये। मैं जा रहा हूं, मैंने कहा मैं जा रहा हूं, मेरी बात सुन रही हो ना तुम? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, ओ बिल्कुल नहीं। मेरी कोई नहीं सुनता। जाए जाए। भूखा हूं मैं। अल्लाह आपका भला करे। जंग पे जा रहा हूँ मैं, मैंने कहा जंग पे जा रहा हूँ। वो तो आप जा सकते हैं। कमजोरी हो रही है, दुश्मन से कैसे लड़ूंगा? दुश्मन से कैसे लड़ूंगा, कैसे वार करूंगा मैं दुश्मन को? दुश्मन अल्लाह करे इस पेट में वार करे, बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ। तो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, मेरे अल्लाह इनकी हिफाजत करे। आमीन आमीन। जैरकुताई, ये सब कैसे हो सकता है जैरकुताई के साथ? बताओ जैरकुताई। जैरकुताई, क्या कर रहे हो मेरे भाई? पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, भूख की वजह से खुद पर काबू नहीं है, खाना नहीं दिया उसने। हाँ अच्छा, ये तो मुझे दो। जैरकुताई, मेरा पेट फूल रहा है बुरहान भाई,
मैं भूख से मर जाऊंगा। बहुत भूख लग रही है बोरान भाई। मैं क्या कहूं अस्मेहान सुल्तान, आपने मेरे हाथ बांध दिए हैं। मैंने कुछ नहीं किया उक्ताम साहब। उस्मान साहब से पहले बाइंदर साहब आपके दरवाजे पर आए हैं, इसीलिए मैं वालिदा सुल्तान आपसे रिश्ता मांगती हूं। मैं ओकदाम साहब का रिश्तेदार बनने पर खुश हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमें नहीं चाहते। अस्तग़फ़िरुल्लाह बाइंदर साहब, ये मतलब नहीं था। आप हमारे काबिल एतमाद लोगों में से हैं। है ना उक्ताम साहब, बाइंदर साहब से बेहतर कोई नहीं मिल सकता। ये ठीक है, लेकिन उस्मान साहब जानते हैं ना, उस्मान साहब जिद्दी हैं, बागी हैं। सब जानते हैं कि वो बागियाना रवैया रखते हैं और उसी के मुताबिक हुक्म देते हैं। इसलिए एक बात याद रखें कि उस्मान साहब आज हैं लेकिन कल शायद नहीं होंगे उक्ताम साहब, लेकिन हम हमेशा रहेंगे। सबसे पहले आजीचक से पूछने की जरूरत है। बिलाशुबा आप पूछ सकते हैं उक्ताम साहब, ये तो आपका हक है। अलचिचिक भी अगर अपनी मां की तरह होशियार होगी तो उसका जवाब भी यकीनन हां में ही होगा। अलचिचिक का जवाब वाजे है इस्मेहान सुल्तान, और यही उसके लिए मौजू भी है। आपने बहुत देर कर दी आक तैमूर, बहुत देर कर दी। हम शादी के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आलचिचिक का हाथ मांगते हैं। बाइंदर साहब के लिए क्या हो रहा है यहां? उक्ताम साहब,
हमने आपको खबर भिजवाई थी ना, ये सब क्या है? आपसे भी यही सवाल है उस्मान साहब, बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? असूलन हम पेश की खबर भिजवा कर यहाँ आए हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि आप यहां पर बगैर इतला दिए आई हैं, इसमें हम सुल्तान अपने मातहतों से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं मुझे। मैंने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दीजिए मुझे। औक्तम साहब ने हमें मधु किया है कि हम इनका जवाब सुने, बताइए जरा आखिर क्या जवाब है? उस्मान साहब, हम नहीं जानते। ठीक कहा उत्तम साहब ने, ये नहीं जानते, हमने हाथ मांगा है। अल्लाह के हुक्म से खुशियां नसीब होंगी, ठीक कहा ना उत्तम साहब? पेशकश कबूल करूंगा। मुबारक हो। जहां दिलों को फतह करने आए हैं, खानदान की नई शुरुआत करने के लिए पीछे हटना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। याल्जी जी की ख्वाहिश भी यही है। इसकी मां और बाबा यहां मौजूद हैं। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे उस्मान साहब, आप हमें जालिम क्यों समझ रहे हैं? शर्म की बात है उस्मान साहब, ये एक अच्छे मकसद के लिए है, वो मजबूर नहीं है। हमें इजाजत दीजिए, हम शादी की बात करेंगे। हम आपके सरदारान और खानदान को मधु करते हैं। कल रात सऊद के सराय में सुल्तान अलाउद्दीन के पास अहम खबरें हैं। खामोश, मेरी बात सुने, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। क्या आप अब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं सिर्फ तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मेरा मरना और जीना भी तुम्हारे साथ है अलचेचेक।
कहीं बाहर जाने का एक ही रास्ता है। तो फिर कल मुझे बचाने आइएगा। मैं जरूर आऊंगा। मैं कल तुम्हें यहाँ से बचाकर लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपका बाग में दरख्त के पास इंतजार करूंगी। अब जाएं, वरना कोई देख लेगा।